अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, माई ऑर्डर्स पर काम करेंगे, और इसके लिए हमको एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा और कंपोनेंट भी चाहिए। तो स्क्रीन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो अकाउंट है उसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम मैं रखता हूँ माई ऑर्डर्स डॉट जेएस, और इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, आर एन एफ ई, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, और लेआउट से इसको भी रैप कर लेता हूँ मैं स्टार्ट में। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लेआउट, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करिए, सजेशन शो करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इम्पोर्ट हो चुका है, सेव कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद ऐप डॉट जी एस में इसका एक राउट बना देंगे। सो यहाँ से आप किसी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे चेकआउट वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बाद में इसको कंडीशनली रेंडर भी करना है, सो डोंट वरी। यहाँ पे इसका मैं राउट रखता हूँ ऑर्डर, कॉपी कर लेंगे इसको, या फिर माई ऑर्डर्स कर लेते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा बेटर नाम रहेगा। मैं कर लेता हूँ इसको माई ऑर्डर्स, कॉपी करेंगे, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और कंपोनेंट के अंदर आप लिखेंगे माई ऑर्डर, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली जो कंपोनेंट भी इम्पोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। और अकाउंट में हम क्या करेंगे, चलते हैं अकाउंट में, ये जो माई ऑर्डर है इसके टचेबल ओपेसिटी के ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन कॉल कर देंगे। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टॉप पे जो हमने पास किया था ना प्रोफाइल के लिए, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, उसको मल्टीलाइन कर देना है पहले शुरू, फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको माई ऑर्डर्स। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद एक बार टेस्ट कर लेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए माई ऑर्डर का पेज बराबर से ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी ऑर्डर की हिस्ट्री नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो एक डमी डेटा मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो आप क्या करें, पहले शुरू जो है ना डेटा के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना ले, और इसका नाम मैं रखता हूँ ऑर्डर डेटा डॉट जे एस। टेम्प्रेरी डेटा हम यहाँ पर बनाएंगे, बाद में क्या करेंगे, एक्चुअल में हमारे पास यूजर का डेटा रहेगा तो उसका हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स, और इसका नाम मैं रखता हूँ ऑर्डर डेटा इक्वल टू, इनिशियली इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये रहेगा एरे, एरे के अंदर रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर पहले शुरू हम क्या करेंगे अंडरस्कोर आईडी की फील्ड ऐड कर देंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट हुआ वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये नंबर है तो डायरेक्टली भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 1001, कुछ भी मैं रैंडम वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद में स्टेटस क्या है यहाँ पे ऑर्डर का, सो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटस, स्टेटस में कर देता हूँ इसको प्रोसेसिंग, और ट्रिपल एस हो गया ये प्रोसेसिंग। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट भी ऐड कर सकते हैं, कौन सी डेट पे ऐड हुआ है। एक्चुअल में जब डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे ना, तो वहां से हमको क्रिएटेड ऐड की प्रॉपर्टी मिलती है, जिसमें हमारे पास टाइम और डेट होता है, तो उसको हम गेट कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं कर लेता हूँ 1 नवंबर। उसके बाद में पेमेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, पेमेंट मोड, कौन से मोड से इसने पेमेंट किया था, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कर लेता हूँ ऑनलाइन, और इसको लोअर केस में कर देता हूँ मैं ऑनलाइन। और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट डिटेल्स भी हम ऐड कर सकते हैं, सो प्रोडक्ट इन्फो कर देता हूँ मैं इसको प्रोडक्ट इन्फो, वरना कॉन्फ्लिक्ट करेगा वो एग्जिस्टिंग नेम के साथ में। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है आईडी ऐड कर देंगे, और आईडी, और इसमें हम क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं, तो वो लेटर हम मोंगोडीबी में देखेंगे। इसमें हम जो है रैंडम वैल्यू ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी भी आईडी 1 कर देता हूँ। उसके बाद में प्रोडक्ट नेम ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ iPhone 15, और फिर क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देंगे, सो QTY, इसको कर देता हूँ मैं 1, और उसका प्राइस क्या था वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 999। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर डेटा अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको डिस्प्ले कराना है, कहाँ पे, माय ऑर्डर्स के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक सेपरेट कंपोनेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं पे अगर हम फेच कराएंगे ना तो काफी बड़ा हमारा कंपोनेंट हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं एक रियूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे हम एक व्यू बना लेंगे पहले शुरू व्यू, और इस व्यू के अंदर जो है टेक्स्ट बना लेंगे, एक हेडिंग भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमको पता चले, जैसे कि माई ऑर्डर्स कर देता हूँ उसको भी माई ऑर्डर्स, और थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं पहले शुरू। यहाँ पे मैं स्टाइल शीट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, स्टाइल शीट, और इसका एक वेरिएबल बना लेंगे कौन स्टाइल इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट फंक्शन, और क्रिएट में कंटेनर बना लेता हूँ पहले शुरू कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ सिर्फ टॉप से 10 कर देते हैं इसको, सेव, और अप्लाई कर देंगे इस व्यू के ऊपर। तो आप लिखेंगे स्टाइल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट कंटेनर, तो देखिए टॉप से मार्जिन हमको मिल गया। उसके बाद में यहाँ पर टेक्स्ट पे भी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, अभी फिलहाल हमने इसके लिए क्रिएट नहीं किया है, तो एक वैल्यू मैं ऐड करके छोड़ देता हूँ, फिर नीचे हम इसको डिजाइन कर लेंगे, जैसे कि इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग।
और इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, नीचे जो टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग, हेडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे। पहले शुरू टेक्स्ट अलाइन, इसको कर देंगे सेंटर, तो ये सेंटर में बराबर से अलाइन हो जाएगा। और इसका जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ ग्रे कलर, तो थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी बढ़ा देता हूँ मैं, फॉन्ट वेट इसको कर देता हूँ बोल्ड, तो थोड़ा सा डार्क इफेक्ट हमको नजर आएगा। और फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट साइज, और इसको हम कर लेंगे 20, इनफ रहेगा। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से ऑर्डर हमारे पास शो करेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी ऑर्डर में डेटा रहेगा, फिलहाल तो एक ही डेटा है, लेटर हमारे पास ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको हमको मैनेज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू डेटा को मैप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, एक और व्यू बना ले, व्यू, या फिर व्यू के बदले में क्या करता हूँ, इसको स्क्रोल के अंदर रैप कर लेता हूँ, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा भी हो सकते हैं तो फिर हमको स्क्रोल की फंक्शनैलिटी भी चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप इसको इम्पोर्ट भी करिए, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैप कर लेंगे। पहले शुरू हमारे पास ऑर्डर डेटा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर डेटा। देखिए आपको जो है डेटा में से इसको इम्पोर्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, मैप करना है। यहाँ पे हम इसको मैप करेंगे, जैसे मैप करेंगे तो सिंगल ऑर्डर हमको मिलेगा, तो इसको हमको गेट करना है। गेट करने के बाद इनलाइन एरो फंक्शन, और यहीं पे हम रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न में हम क्या करेंगे, एक रियूजेबल कंपोनेंट बना लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट के अंदर जो है ना, या फिर फॉर्म के अंदर हम बना सकते हैं, इस फॉर्म फोल्डर के अंदर जो कि कंपोनेंट्स में, इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ ऑर्डर आइटम डॉट जेएस, और इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RNFE, सेव कर लेते हैं इसको पहले शुरू। और चलते हैं माई ऑर्डर के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे। कैसे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर आइटम, देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से सेल्फ क्लोज टैग में ऐड कर देंगे, और जैसे इसको सेव करेंगे तो एरर भी शो करेगा, मैप मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको की प्रॉपर्टी पास कराना पड़ता है। सो की को आप पास करा दें, हमारे पास जो ऑर्डर हमको मिलने वाला है उसके अंदर एक अंडरस्कोर आईडी की फील्ड है, तो वो यूनिक फील्ड है, तो इससे हम की को पास करा सकते हैं। अब जैसे सेव करेंगे तो वार्निंग यहाँ से रिमूव हो गई। उसके बाद में हम ऑर्डर को जो एज अ प्रॉप भी पास करा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम की वैल्यू पेयर को सेम नाम से यहाँ पर पास करा देता हूँ। सो एज अ प्रॉप हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं। कहाँ पे, हमने जो ऑर्डर आइटम का कंपोनेंट बनाया है इसके अंदर इसको हम रिसीव करेंगे, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं ऑर्डर डॉट नेम लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नेम शो करेगा, और नेम नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमने क्या क्या इसमें दिया था। ऑर्डर आईडी है, स्टेटस में शो करा देता हूँ पहले शुरू। सो ऑर्डर डॉट स्टेटस, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है प्रोसेसिंग, और इसको हम थोड़ा सा डिजाइन भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे, स्टाइल शीट को ऊपर इम्पोर्ट कर देंगे पहले शुरू, स्टाइल शीट, और यहाँ पर नीचे एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट स्टाइल्स के नाम से, और फिर स्टाइल शीट को टारगेट करेंगे, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट फंक्शन, क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, कंटेनर के नाम से स्टाइल बना देंगे, ये है कंटेनर। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे पहले शुरू, और मैं इसको कर देता हूँ वाइट, #FF FF FF, और अप्लाई भी कर देता हूँ साथ में। यहाँ से पैरेंथेसिस रिमूव हो गया क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है, तो इसको लगा ऑटो फॉर्मेट में जो है कुछ इस तरीके से आपको भी मिलेगा। सो आप क्या करें, वापस से पैरेंथेसिस को ऐड कर दें, और इस व्यू के अंदर मैं एक टेक्स्ट को, डमी टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, कुछ भी रैंडम वैल्यू के साथ में, ताकि हम इसको साथ ही में देख पाए। इस व्यू के अंदर मैं स्टाइल को ऐड कर देता हूँ पहले शुरू, और फिर स्टाइल्स की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंटेनर है उसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बैकग्राउंड कलर बराबर से आ रहा है, इसको थोड़ा सा और डिजाइन कर लेंगे, मार्जिन दे देता हूँ मैं, मार्जिन ऑफ 20 इनफ रहेगा। देख सकते हैं आप, 20 कुछ इस तरीके से आ रहा है, या फिर 10 कर देता हूँ, ये ज्यादा हो रहा है। और फिर पैडिंग दे देंगे इसमें, तो पैडिंग पैडिंग ऑफ 10, इनलाइन स्पेस भी इसमें देखने मिल जाएगा। उसी तरीके से बॉर्डर रेडियस में ऐड कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 20। तो ये कुछ इस तरीके से जो है राउंडेड एजेस हमको देखने मिलेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑर्डर की डिटेल्स शो करा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक और व्यू को ऐड कर देता हूँ, व्यू, और स्पेलिंग मिस्टेक डबल से टाइप कर लेते हैं इसको, ये है व्यू। इस व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी शो करा देंगे, सो ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे डायनेमिक आईडी शो करा देंगे, सो ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए ऑर्डर आईडी बराबर से शो कर रहा है, सेम इसी तरीके से इसी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम जो है डेट भी शो करा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा डेट, और कैप्स लॉक ऑन हो गया, सो इसको हम फिक्स कर लेंगे, ये है डेट। और ऑर्डर के अंदर हमारे पास डेट भी है, तो उसको डायरेक्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये देखिए एक के नीचे एक आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस व्यू को मैं स्टाइल दे देता हूँ पहले शुरू,
यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट ऑर्डर, इनपो कर देता हूँ मैं इसको, और इसको टारगेट कर लेंगे नीचे। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ऑर्डर इनफो। फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर लेंगे पहले शुरू, इसको कर लेता हूँ मैं रो, तो साइड बाय साइड ये शो करेगा। जस्टिफाई कर देंगे फिर कंटेंट को स्पेस बिटवीन, बॉर्डर विथ भी ऐड कर देता हूँ मैं बॉटम से। सो बॉर्डर बॉटम विथ इसको कर देते हैं 1। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, सो बॉर्डर कलर इसको कर देंगे हम लाइट ग्रे करके, देख लेते हैं एक लाइट ग्रे। तो देखिए ये ठीक ठाक लग रहा है। और पैडिंग बॉटम से दे देता हूँ मैं, पैडिंग बॉटम ऑफ 5। तो थोड़ा सा और स्पेस हमको इसमें देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ऑर्डर आईडी है, फिर डेट है, और भी अगर आपको स्टाइलिंग करना है तो आप कर सकते हैं। अब इस व्यू के बाद में हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इसमें मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट का नेम ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे अगेन कर्ली ब्रेसेस, फिर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट इन्फो। देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फो के नाम से, इसको हमको टारगेट करना है। इसको टारगेट करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास नेम है, फिर इसकी प्राइस है और क्वांटिटी है। तो इसके लिए भी मैं एक व्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, एक और सेपरेट व्यू, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे प्रोडक्ट नेम, और ये ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट इन्फो डॉट नेम, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से आ रहा है, साथ ही में इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, और यहाँ पे इसका प्राइस भी ऐड कर देंगे प्राइस, और यहाँ पर ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट इन्फो डॉट प्राइस, ये है प्राइस, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए प्राइस भी बराबर से शो कर रहा है, या फिर इस व्यू को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा में हो रहा है सो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और ज़्यादा स्टाइलिंग करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे कंटेनर बना के, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, प्राइस भी हो गया। और क्या चीज़ें हमारे पास ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर डेटा, इसमें हमारे पास है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इतना सब शो कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पेमेंट मोड है सो ये मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सो टोटल अमाउंट भी है ना, तो टोटल अमाउंट ऐड कर देता हूँ, टोटल अमाउंट, और प्राइस और क्वांटिटी भी शो कराना पड़ेगा तभी तो हमको समझ में आएगा। सो क्वांटिटी शो करा देता हूँ मैं, ठीक है क्वांटिटी, और इसमें हमारे पास है QTY सेव। तो क्वांटिटी भी बराबर से शो कर रहा है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हमारे पास क्या है टोटल प्राइस है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट, और यहाँ पर डायरेक्ट है सो प्रोडक्ट इन्फो में हमको जाने की जरूरत नहीं, उसके बदले टोटल अमाउंट सेव। अच्छा टोटल अमाउंट में मिस्टेक आई थी, एक बार डेटा चेक कर लेता हूँ। टोटल अमाउंट अमाउंट, अच्छा ठीक है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, अब ठीक है। और यहाँ पर मैं डॉलर का साइन भी ऐड कर देता हूँ, तो ये डॉलर में है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, स्टेटस शो करा सकते हैं। सो स्टेटस को मैं क्या करता हूँ, एक और व्यू के अंदर रैप कर लेता हूँ, तो व्यू, और इस व्यू के अंदर हम क्या करेंगे टेक्स्ट ऐड कर देंगे टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर ऑर्डर में से स्टेटस को गेट कर लेंगे, ऑर्डर डॉट स्टेटस, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए बराबर से शो कर रहा है ऑर्डर स्टेटस प्रोसेसिंग, और इस व्यू को जो है ना स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल, फिर स्टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, और एक कोई भी क्लास दे देंगे हम, जैसे कि सेम नाम से दे देता हूँ मैं स्टेटस के, स्लैश एड हो गया था इसको मैंने रिमूव कर लिया। अब स्टेटस के नाम से एक स्टाइल बना लेता हूँ स्टेटस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको जो है ना बॉर्डर दे देंगे, सो बॉर्डर विथ फ्रॉम टॉप साइड, तो इसको कर देते हैं 1। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, देख सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देंगे, सो फॉन्ट वेट इसको कर देता हूँ मैं बोल्ड। बॉर्डर का कलर है ना उसको चेंज कर लेते हैं, इसको भी लाइट कर लेंगे, बॉर्डर कलर लाइट ग्रे कलर सेव। तो लाइट इफेक्ट हमको नजर आएगा। स्टिल यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटस है ना ये बराबर से शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर लेंगे इसको जो है ना डायरेक्टली इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके देख लेंगे सेव, अब ठीक है। और इस व्यू को मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, आप इसको फर्दर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी कोड हमारा क्लीन हो गया, ऑर्डर स्टेटस भी यहाँ पे शो कर रहा है प्रोसेसिंग, और एडमिन से हम क्या करेंगे इस ऑर्डर को भी चेंज करेंगे बाद में, फिलहाल के लिए तो ठीक ठाक लग रहा है। पैडिंग भी थोड़ी सी दे देता हूँ मैं इसमें, सो पैडिंग पैडिंग ऑफ 5, तो थोड़ा सा और स्पेस हमको इसमें देखने मिल जाएगा। तो परफेक्टली हमारे पास देखिए माय ऑर्डर का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसमें जो है और डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपको फर्दर प्रोडक्ट की डिटेल्स को ऐड करना है जैसे इमेज क्वांटिटी या फिर GST टैक्स, तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास अभी कुछ भी डेटा नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल्स हम अभी शो नहीं करा सकते हैं। बाद में जो भी डेटाबेस में हमारे पास यूज़र का डेटा रहेगा, जिसमें हमारे पास उसके ऑर्डर्स भी रहेंगे, और ऑर्डर्स की और ज़्यादा डिटेल्स हम क्या करेंगे पहले शुरू स्टोर करेंगे, फिर यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे।
रिलेशनशिप भी हमको इसमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाद में जैसे हमारा बैकएंड सर्वर कंप्लीट होता है ना, तब हम इस पर और बाद में आके काम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखिए ऑर्डर सेक्शन कंप्लीट है, अकाउंट में जाएंगे हम, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल है बराबर से, और माय ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री भी बराबर से शो करेगा, और स्क्रॉल बार के अंदर है सो इनके ज़्यादा भी होते हैं तो स्क्रॉल इफेक्ट भी हमको इसमें देखने मिल जाएगा।